आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है हमारी, एनर्जी क्या होती है, अंदर की एनर्जी, सेम एनर्जी इज देयर। इसके अंदर आपका क्या होता है, द एबिलिटी टू डू वर्क। दैट मीन्स सपोज हमारे पास में दो है, दो पर्सन है, दिस इज द फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज योर सेकेंड पर्सन। तो दिस इज योर नेम इज ए एंड बी। तो सपोज दिस पर्सन वॉक्स फॉर 10 किलोमीटर्स, देन ही स्टॉप्स, बट दिस पर्सन व्हाट ही डिड, ही कवर्स 15 किलोमीटर्स, देन स्टॉप। तो इसके अंदर किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, वी कैन से बी के अंदर एनर्जी इज मोर। तो देयरफॉर वी कैन से द एबिलिटी टू डू वर्क इज योर एनर्जी। तो नाउ वी कैन से एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। नाउ तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन, एबिलिटी टू डू वर्क। नाउ वी विल डिराइव वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। हाउ वी कैन सी W इज इक्वल टू एनर्जी, दैट इज E। तो वी नो कि वर्क का यूनिट इज व्हाट, जूल्स, जूल्स, एंड एनर्जी का यूनिट इज ऑल्सो जूल्स। दैट मीन्स दे आर इक्वल। नाउ वी विल डिराइव दैट। तो वी नो दैट W इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। नाउ अब देखो फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वी कैन राइट मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डी। नाउ अगर आप इसको हाइट में लेते हैं, इन हाइट लाइक दिस, तो सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर और आपने इसको ड्रॉप किया लाइक दिस, इट विल कम एट द ग्राउंड, है ना। नाउ यू कैन सी द एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। तो नाउ वी कैन राइट एम इनटू जी इनटू व्हाट इज योर डी, डी इज द डिस्प्लेसमेंट, यू कैन सी दिस इज योर हाइट, तो दैट मीन दैट इज योर एच। नाउ एम इनटू जी इज आल्सो नोन एज व्हाट, वेट, वेट इनटू हाइट, वेट इनटू हाइट, है ना, वेट इनटू हाइट। नाउ एम जी एच हमारा क्या होता है, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वल टू वी कैन से पीई, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो नाउ वी कैन सी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू योर वेट, देयरफॉर वी कैन से जूल्स इज इक्वल टू जूल्स और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको समझना है।